सो ये व्हाट्सअप गाइस, क्या चाल है? तो गाइस फाइनली दो गुड न्यूज़ और आप सभी लोगों के लिए, एक है टिकटॉक कमबैक को लेकर और दूसरा गुड न्यूज़ आपके लिए है टर्न टर्न ऐप को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही ऐप कमबैक करने वाला इंडिया के अंदर। यहाँ पर दो रूमर्स बहुत ज़्यादा स्टैम्प पर चल रहा है, टर्न टर्न ऐप पहले आएगा फिर टिकटॉक एप्लीकेशन पहले लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो गाइस कब तक रिलॉन्च होने वाला है और क्या प्ले स्टोर पर आ चुका है और कहाँ से आप सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं टिकटॉक को, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ टर्न टर्न ऐप के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, जब चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उस टाइम पर जो है टर्न टर्न ऐप्स को भी बैन कर दिया था टिकटॉक के साथ में। लेकिन गाइस आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब टिकटॉक को बैन किया था तो टिकटॉक को प्ले स्टोर से निकाल दिया गया था, लेकिन टर्न टर्न ऐप के साथ ऐसा नहीं हुआ था। टर्न टर्न ऐप्स को एज इट ऐसे ही रखा गया था प्ले स्टोर पर, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप टर्न टर्न ऐप को डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ पर आपको अभी भी अगर आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा नो नेटवर्क कनेक्शन, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो वैसे टर्न टर्न ऐप कमबैक को लेकर एक न्यू पोस्ट देखा गया इंस्टाग्राम पर, जो टर्न टर्न ऐप है इंस्टाग्राम पर वहाँ पर इस पोस्ट को देखा गया। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वी आर कमिंग बैक टू इंडिया। तो आज बहुत जल्द टर्न टर्न ऐप एक बार फिर से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करके और फिर से कमबैक करने वाला इंडिया के अंदर, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो आज हमारे एक फ्रेंड ने बात भी किया था टर्न टर्न ऐप टीम से कि कब तक रिलॉन्च करने वाले इंडिया के अंदर टर्न टर्न ऐप को, तो वहाँ से रिप्लाई आया था कि सितंबर तक रिलॉन्च हो जाएगा और जो प्रॉब्लम आ रहा है नो नेटवर्क कनेक्शन, ये कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा और पहले की तरह आप टर्न टर्न ऐप को यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है टिकटॉक इस टाइम पर पूरी हर तरह से कोशिश कर रहा है, ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो चुका है न्यू नाम से रिलॉन्च करने वाला इंडिया में। तो जो यहाँ पर रूल्स अपनाए थे पबजी मोबाइल ने, जो आईडी रूल्स को फॉलो किया था और जो डाटा स्टोर है वो सब इस टाइम पर पबजी का इंडिया में ही स्टोर हो रहा है, तो सेम वही पॉलिसी यहाँ पर टिकटॉक यूज़ करने वाला है। टिकटॉक ने भी यही बातें कही कि हम जो भी इंडियन यूज़र का डाटा है वो इंडिया के अंदर ही स्टोर करेंगे, चाइनीज़ कंपनी जो है बाइडांस उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं रहेगा, किसी भी अदर कंपनी को हायर करके वहाँ से इसको रिलॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुके। लेकिन गाइस एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि रूमर्स आ रहा है इस टाइम पर के 25 को इन 25 अगस्त को इंडिया में रिलॉन्च होने वाला टिकटॉक। तो गाइस मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जब प्ले स्टोर पर रिलॉन्च होगा उससे भी पहले अगर आप देखना चाहते हैं टिकटॉक का जो न्यू नेम से रिलॉन्च होने वाला इंडिया के अंदर, तो आपको टैप टैप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसका बीटा वर्जन रिलीज किया जाएगा, वहाँ पर आप सबसे पहले इसको देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जो भी ऐप रिलॉन्च होता है प्ले स्टोर पर उसको पहले बीटा वर्जन में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर टिकटॉक के साथ भी होने वाला है, अगर आप सबसे पहले डाउनलोड करना चाहते हो तो टैप टैप एप्लीकेशन पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा टिकटॉक। तो गाइस अब बात यह आती, काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे कि अगर एक बार रिलीज़ हो भी जाए इंडिया में टिकटॉक तो क्या पहले के जैसा इसको सक्सेस मिल पाएगा? तो गाइस डेफिनेटली मिल पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी अदर एप्लीकेशन लॉन्च हुए अभी हाल फिलहाल डेज में, क्योंकि एमएक्स टकटक हुआ, स्नैक वीडियो हुआ, टिक्की ऐप हुआ, इस तरह के काफ़ी सारे इस तरह के और भी काफ़ी शॉर्ट वीडियोस ऐप है लाइक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स एंड फेसबुक, तो जो ऑडियंस थे वो थोड़े इधर गए थोड़े इधर गए, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो चुके। तो गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन को यूज़ किया। तो गाइस अगर आप टिकटॉक को कंपेयर करें अदर ऐप से लाइक इंस्टाग्राम रील्स, आप यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स को ले सकते हो, वहाँ पर देखिए बहुत यानी लैक ऑफ फिल्टर है, बहुत कम आपको वहाँ पर फिल्टर्स देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू टिकटॉक, बहुत ही कम वहाँ पर आपको ऐसे फीचर है जो देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कंपेरिजन करें दोनों का, तो जो लोग पहले से टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाते अगर उनको बोला जाए कि इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो बनाइए, तो फर्क वहां पर आपको साफ दिख जाएगा, बहुत सारे फिल्टर्स में वहां पर कमी देखने को मिलेगी और जो मतलब फुल एचडी क्वालिटी वो वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। और भी काफी सारे माइनस पॉइंट है जिससे मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, टिकटॉक अभी भी नंबर वन है और अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 3 बिलियन क्रॉस कर चुका है डाउनलोड, उसके डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं टिकटॉक के, वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पसंद अभी तक किसी भी शॉर्ट वीडियो ऐप को नहीं किया गया जितना कि अभी तक टिकटॉक को लाइक किया गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जितने भी अदर ऐप है टिकटॉक के अलावा, तो टिकटॉक और बाकी सब ऐप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अगर आप कंपैरिजन करें बहुत ही मतलब उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता टिकटॉक का अभी तक। तो गाइस इंडिया में काफ़ी टाइम से स्टैम्प पर टिकटॉक बैन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई बार बैन होता है लेकिन अनबैन भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स है और इंडिया की बात करते हैं इंडिया में तो हद से ज़्यादा यूज़र है टिकटॉक के। तो अगर एक बार फिर से रिलॉन्च होता है टिकटॉक, तो जितने भी अदर एप्लीकेशन है शॉर्ट वीडियो ऐप है, तो डेफिनेटली जो
पहले से यूज़ करते थे टिकटॉक, वो उन सब ऐप्स को क्विट करके वापस आ जाएंगे टिकटॉक पर, क्योंकि टिकटॉक का जिसको मतलब हैबिट हो चुका है वो इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाला है। तो बस टिकटॉक कमबैक को लेकर जैसे कि रूमर्स इस टाइम पर आ रहा है और एस्टिमेटेड डेट भी यहाँ पर बता जा रहा है, रिलीज डेट 25, तो थोड़ा सा आप वेट करिए 25 को, देखिए कुछ नया आने वाला है टिकटॉक कमबैक को लेकर। तो अगर आप एक टिकटॉक लवर है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस, आपका फेवरेट शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा ऐप आपको ज्यादा पसंद है, लाइक टिकी ऐप, लाइक ऐप, वीगो ऐप और या फिर टिकटॉक, जो भी एप्लीकेशन आपका फेवरेट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट।